हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोंटी जन सेवा केंद्र में। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप मोबाइल से एसएससी सीपीओ एसआई का फॉर्म अप्लाई एंड ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो आपको लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है, जब भी आपको पता चल पाएगा कि आप मोबाइल से अपना एसएससी सीपीओ का फॉर्म अप्लाई एंड ऑनलाइन कैसे करेंगे। अभी स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर आना है। सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर आने में जनरल ओबीसी डोलर्स की 100 रुपीज़, SC ST की 0 बैलेंस है। अगर आप इसमें कनेक्शन करोगे, फॉर्म में गलती हो जाएगी, तो 200 रुपये आपका फर्स्ट टाइम होगा, दूसरे टाइम करोगे तो 500 रुपये चार्ज है। 4 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 28 मार्च तक आप फॉर्म को भरेंगे। कनेक्शन डेट आपकी 30 से 31 मार्च है और एग्जाम डेट आपकी 9 से 13 मई आपकी दी हुई है। 4,187 पोस्ट आपकी निकाली गई है सब इंस्पेक्टर की, जिसमें SS, IBSF, CRPF, CSF, ITB, SSB 20 से 25 ईयर आपकी मांगी गई है। 1/8/2024 के हिसाब से काउंटिंग की जाएगी। यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हैं कौन सी कितनी पोस्ट आपकी दी हुई है। हाइट आप 1.70 है, ST की जो है 1.62 है, फीमेल की बात करें 1.57 है, ST की 1.54 है। बाकी आप यहाँ पे जो है इसके साइड पर आके चेक कर सकते हैं कितना कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। 100 मीटर रेस आपकी 16 सेकंड में मेल की, फीमेल की 18 सेकंड में 100 मीटर रेस है। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए नीचे आना है, अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक करा, आप इस पर क्लिक कर देंगे आपके सामने इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू यूजर लिख रहा है रजिस्ट्रेशन हियर, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद आप इस ऑप्शन पर आ जाएंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपको नीचे आना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है डू यू हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप इसे यस करिए, आधार नंबर डाल दीजिए दोनों में। अगर आपको आधार कार्ड नंबर नहीं डालना है तो नो रखेंगे। उसके बाद आपको एक आईडी आपको देनी है, इनमें से सेलेक्ट करना है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयड आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई सी भी एक आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसका नंबर आप यहां पर डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आएगा कैंडिडेट नेम हैज पर मैट्रिक कैंडिडेट, तो यहां पर आपको 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से अपना नाम डालना है जो 10वीं की मार्कशीट में, दोबारा से नाम डालना पड़ेगा। फिर अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो हैव यू एवर नाम चेंज नेम, तो आप इस वाले ऑप्शन को यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसे नो ही रहेंगे। जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, अपना मेल है फीमेल है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, दोबारा से डेट ऑफ बर्थ डालना है, फादर का नाम डालना है दोबारा से फादर का, माता जी का दोबारा से माता जी का, आपको अपना बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास की है। उसके बाद दोबारा से आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, रोल नंबर डालना है दोबारा से रोल नंबर डालना है, फिर आपको डेट ऑफ पासिंग दोबारा से डेट ऑफ पासिंग, आपका हाई क्वालिफिकेशन जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाई करना है, ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाई करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा दोस्तों, फिर आपको लॉगिन करना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के जो आपको मिलेगा। फिर आपको एक नया पासवर्ड के लिए बोला जाएगा, पहले को आपको ओल्ड पासवर्ड डालना है, फिर आपको न्यू पासवर्ड बनाना है, और उसके बाद एक कैप्चर मिल रहा है, कैप्चर डालेगा, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। इतना डालने के बाद आपका जो है लॉगिन, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपने न्यू पासवर्ड बना लिया, सब कुछ कर लिया, अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, कैप्चर डालिए, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, जब आप लॉगिन हो जाओगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, एक तो लिखट रहा का प्लेस 12th का फॉर्म, यहाँ पे देख सकते हैं, इसके सामने भी आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। अगर दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन में अपना चेंजिंग करना है तो आपको ऊपर आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन में कोई भी गलती है ठीक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर CSF, इसके नीचे मिलेगा अप्लाई, आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, फिल ऐप फॉर्म पर आएगा, अब आपके यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, एक बार आप अपनी डिटेल चेक कर लेना, सारा कुछ चेक करने बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज आएगा आपका हाई क्वालिफिकेशन। तो जो भी आपका हाई क्वालिफिकेशन है, ये ग्रेजुएशन से फॉर्म है आपका जो कि सीपीओ का है, आपका कंप्लीट हो चुका है या चल रहा है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, या आप ग्रेजुएशन से ऊपर आपने कुछ भी किया हुआ है मगर ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लिया है मैंने। उसके बाद डू ऑफ क्वालिफाइड एजुकेशन, तो यहाँ पर आपने जो ग्रेजुएशन है वो किस सब्जेक्ट, मतलब कि कौन सा कोर्स है आपके पास, बी है, बी बी है, बी सी है, बी कॉम है, बी एस सी है, जो भी है वो आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपसे पूछेगा है क्यों स्टेटस आपको, इसे आपकी पास है या चल रही है, अगर आपकी अपेयरिंग है मतलब अभी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है आपकी ग्रेजुएशन, तो आप अपेयरिंग कर सकते हैं, अगर आपकी चल रही है, अगर आप पास हो चुके हैं तो आप पास सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग आपकी कब है, आपने कब की है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आएगा आपका स्टेट, आपको स्टेट अपना डालना है, जो भी आपका स्टेट है तो आप अपना स्टेट डाल देंगे। उसके बाद दोबारा से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, तो आपको यूनिवर्सिटी अगर आप चौधरी चरण सिंह की है तो आपको ऊपर ही मिल जाएगा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपको रोल नंबर अपना फिल करना है, जो भी आपका रोल नंबर रहेगा ग्रेजुएशन का वो आप दोस्तों देख के डालना, जो भी आपका रोल नंबर हो। उसके बाद नीचे आएगा परसेंटेज, आपसे पूछी जाएगी आपकी परसेंटेज जो ग्रेजुएशन की है वो कितनी है। उसके बाद अगर आपका सीजीपे है तो आप सीजीपे डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे परसेंटेज ही डालेगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद डाटा आपका सेव हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके कर दीजिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास जो है, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यस करिए, नहीं तो नो। अगर आप दिल्ली में स्पोर्ट कुछ कोटा है तो यस कीजिए, नहीं तो नो। ये भी आपको मतलब पढ़ लेना है अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको ठीक लगा वो यस या नो कर सकते हैं। एज में छूट चाहिए तो यस करेंगे, नहीं तो नो, यहाँ पे भी नो, उससे वह नेक्स्ट कर देंगे। डाटा सेव हो जाएगा, उसके बाद ओके कर देंगे आप। उसके बाद दोबारा से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको अपने एग्जाम सेंटर भी यहाँ पर डालने हैं, देख सकते हैं तीन एग्जाम में सेंटर आपको डालने पड़ेंगे, तो मैं तीन एग्जाम सेंटर यहाँ पर रख लेता हूँ। जो भी आपको ठीक लगा वो आप अपने के अकॉर्डिंग तीन एग्जाम सेंटर आप डाल सकते हैं। मैं तो तीन एग्जाम सेंटर में डालने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं जो है तीन एग्जाम डाल देता हूँ। पहला डाल दिया मैंने जम्मू, और दूसरा डाल देता हूँ मैं शिमला, और मैं तीसरा डाल देता हूँ मैं मोहाली, जालंधर, हमीरपुर, चंडीगढ़, अमृतसर। तो ये मैं तीन सेंटर डाल चुका हूँ, जम्मू, शिमला और अमृतसर, ठीक है दोस्तों, ये चार सेंटर मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद आपको क्या कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। आपका डाटा सेव हो जाएगा, ओके कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो फोटो जो लगाना है वो आपको लाइव फ़ोटो लगाना है अपना, मतलब कि साथ के साथ आपको लाइव फ़ोटो खींच के लगाना है। अगर आपका पीसी है, आप अभी तो फ़िलहाल आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं, तो मोबाइल में आप आसानी से जो है अपना फ़ोटो खींच सकते हैं। अगर आप लैपटॉप या कैमरे से भर, पीसी से भर रहे हैं, तो पीसी में आपका कैमरा होना ज़रूरी है, नहीं तो आप अपने लॉगिन करके फ़ोन से अपना फ़ोटो लगाएं। फोटो लगाना है यहाँ पे, वो सिग्नेचर नीचे अपलोड करना है, जो कि 10 से 20 के भी आपका रहेगा। सही, दोनों चीज़ आपको लगाने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों प्रिंट का प्रीव्यू आ जाएगा, एक बार आप फॉर्म को चेक कर लेंगे, अगर आपको लगा सब कुछ ठीक है तो आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अगर आपको लगा कोई गलती है तो आप बैंक जाके अपना फॉर्म सुधार सकते हैं, वो आप अपना देख लीजिए आपके फॉर्म में कोई गलती है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। चेक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है।
सेवन नेस्ट करने वाला डिक्लेरेशन के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे आपको आइडिया है करने हैं, उसके बाद एक कैप्चर आपको फिल करना पड़ेगा, जो भी कैप्चर आपका है ये। उसके बाद दोस्तों फिर आपको एक सॉन्ग ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेस्ट का, तो आपको सेव एंड नेस्ट कर देना है, नहीं तो आप बैंक जाकर फॉर्म को सुधार सकते हैं। सेव एंड नेस्ट कर दिया मैंने। सेव एंड नेस्ट करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो गो टू डैशबोर्ड और एक मिला है प्रिंट एप्लीकेशन। तो आपको दोस्तों प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपना प्रिंट आउट यहाँ से ले लेना है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप साथ के साथ प्रिंट निकलवा सकते हैं, अगर प्रिंटर नहीं है तो आप इसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपना SSC CPO का अप्लाई एंड ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं बिना कोई गलती करे। तो प्रोसेस मैंने बता दिया है कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी चैनल पहली बार आ रहा है चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एजुकेशन से रिकॉर्डिंग सारी वीडियो आपको मिलेगी इस चैनल पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जरूर लगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।